जनरल यहया खान के दौरे इक्तदार में अकलीम अख्तर अलमारूफ जनरल रानी मुल्क की सबसे मुअस्सर और ताकतवर शख्सियत थी। मुशीर वजीर और सपीर भी हम वक्त हाथ बांधे उनकी जी हजूरी करते। जनरल यहया के इक्तदार छोड़ने के बाद हालात ने पलटा खाया। एक रात जनरल रानी को साजो सामान समेत गिरफ्तार करके कोटवाली ताने ले जाया गया। कोटवाली ताने में मैडम जनरल रानी बेकसी की तस्वीर बनी खड़ी थी। अखबारी नुमाइंदे बागम बाग कोटवाली ताने पहुंचे। ताने का वसीव अरीज मैदान रिपोर्टर्स के लिए कम पड़ गया। बाअसर रिपोर्टर्स जनरल रानी तक पहुंचने में कामयाब हुए। जनरल रानी बेकसी बेबसी की तस्वीर बने हर सवाल सुनती रही, लेकिन उसके पास किसी भी रिपोर्टर के सवाल का कोई जवाब ना था। एक मौका पर उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया कि बस नक्शा बदल गया। तमाम रिपोर्टर नाकाम लौटे। वो ये जानने में नाकाम रहे कि कौन सा नक्शा बदल गया। खर दौर में जनरल रानी मफरूर इश्तिहारी मुजरिमों की तरह चुपती फिरती रही। अगले दौर के मेहरबानों के दरवाजे पर दस्तक देती, लेकिन इस बुरे वक्त में कोई उसे पना देने के लिए तैयार ना था। नया जमाना था, सांस और राग बदल चुके थे। ऐवाने इक्तदार की लाडली जनरल रानी को जिंदगी में पहली मर्तबा इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ रहा था। वो अपने हर आशना से राब्ता करती, उनकी मिन्नत समाजत करती, लेकिन नए दौर में हुक्मरानों के अताप से बचने के लिए हर कोई उसे ठिकाना देने से इनकारी था। गली गली करिया करिया की खाक छानने के बाद उसे मालूम हुआ कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्स उसे पना दे सकता है तो वो लाहौर का एक सहाबी है। एक रात इस अजीम सहाबी के घर में टेलीफोन की घंटी बजती है। सहाबी की बीवी टेलीफोन का रिसीवर उठाती है। दूसरी तरफ एक खौफजदा खातून बोली, बेगम साहिबा मुझे पनाह चाहिए, मैं एक मजलूम औरत हूँ, मुझे जमाने ने दुत्कार दिया है। कल तक मेरी चौकट बड़े बड़े नामवर हस्तियों की सजदागाह थी, लेकिन आज मैं जिस दर पर भी जाती हूँ मुझे कोटे सिक्के की तरह लौटा दिया जाता है। नामवर सहाबी के बेगम ने पूछा, आपको मालूम है कि आपने किसके घर फोन किया है? दूसरी तरफ से जवाब मिलता है कि मैंने आपके शोहर आगा शोरश कश्मीरी के जिगरदारी और बहादुरी की दास्तानें सुनी हैं। मुझे मेरे मिलने वालों ने बताया है कि वो मजलूमों का साथ देने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। आगा साहब की बीवी ने बताया कि आगा साहब अभी आराम कर रहे हैं। जब वो सो रहे हो तो हम में कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता कि उसको जगा सके। वो जब लिखते हो या सो रहे हो तो किसी किस्म की खलल बर्दाश्त नहीं करते। एक दो घंटे गुजरने के बाद फोन की घंटी दोबारा बजी। जनरल रानी ने इल्तिजाई लहजे में कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि मैं बनफ्से नफीस आपके दौलत कदे पर हाजिर हो जाऊं। आगा साहब को नींद से जगाया गया। वो बाहर आए और अहवाल दरियाफ्त। जनरल रानी ने हकूमती मजालिम की एक तवील दास्तान सुनाई और पनाह की तलबगार हुई। आगा साहब ने कहा कि मैं तुम्हें तादेर पनाह नहीं दे सकता। ये सुनना ही था कि जनरल रानी ने एक जखीम एल्बम आगा साहब की खिदमत में पेश की और कहा, इस एल्बम में पाकिस्तान के ऐवान इक्तदार के मकीनों सपीरों बेरोक्रेट्स के जिंदगी के मखफी गोशे तस्वीरी जुबान में मौजूद है। आगा साहब ने जनरल रानी को अपने यहाँ एक रात गुजारने की इजाजत दे दी। ये रात उसने आगा साहब के घर के अकब में बेंच के लिए बनाए गए एक छप्पर के नीचे गुजारी। फाइव स्टार होटलों सदारती महलों में रात गुजारने वाली मैडम रानी के लिए यकीनन ये रात कयामत की रात थी। सुबह होते ही आगा साहब ने उसकी दी हुई उस एल्बम को उसकी आंखों के सामने आतिश किया और कहा कि इक्तदार से महरूम होने वाले लोगों के ऐब उछालना बुजदिलों का काम है।
तुम आज ये तस्वीरें उठाए फिर रही हो, कल को तुम इन लोगों के निगार खाने ऐश की रौनक होगी। बटू हकूमत और जनरल रानी की खुफिया डील हुई, जनरल रानी भी जेर जमीन चली गई और इससे मुतालिका दास्तानों पर पर्दा डाला गया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन, लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली, मोहम्मद खान जुनेजो और जनरल मोहम्मद जियाउल हक के अलावा पाकिस्तानी हुक्मरान किसी न किसी जनरल रानी के जेर असर रहे हैं। जनरल रानी मर चुकी है, लेकिन वो मुतमईन है कि उसकी रूह जिंदा है और आने वाले दौर में ऐवाने इक्तदार से किसी न किसी जनरल रानी की कहकहों की आवाज सुनाई देगी।